इतना मिस कर रहा हूं सही को कि हर जगह नजर आ रही हो मुझे। सपने देखना बंद कर, सही या नहीं है? क्या हो रहा है मुझे? विराट फोकस फोकस फोकस, सीरियसली क्या कर रहा है? खुली आंखों से सपने देखना बंद कर विराट, तेरा दिमाग तुझे बेवकूफ बना रहा है। तू अपने दिमाग को बेवकूफ बना, सब तेरा वहम है। विराट सर, हद है यार, इतना कंट्रोल कर रहा हूं फिर भी मुझे सही नजर आ रही है। विराट, सपने पर नहीं किताब पर कॉन्सेंट्रेट कर। क्या हो गया आपको विराट सर? मेरे साथ ऐसे बिहेव करने का क्या मतलब? सही पकाओ मत ना, मुझे पता है तुम यहाँ नहीं हो, सब मेरे दिमाग का खेल है। आई नो दैट, तुम यहाँ हो ही नहीं। यस विराट सर, मुझे पकाने के लिए नाटक तो नहीं कर रहे? विराट सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हो गया है आपको? मैं यही खड़ी हूँ और आप क्या क्या बोल रहे हैं, और क्या दिमाग का खेल? मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मानना पड़ेगा, मेरी इमेजिनेशन को मानना पड़ेगा। एकदम रियल लग रही हो तुम, लेकिन मैं भी विराट चव्हाण हूँ, वहम और हकीकत में यूं फर्क पकड़ लेता हूं। तुम यहां हो ही नहीं, इसलिए तुम 1 2 3 गायब हो जाओ। चलो। अच्छा, मैं यहां नहीं हूं? नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूं। बिल्कुल नहीं हूं? पक्का? पक्का। सही सच में आओ? अरे सच में आओ? आए है ना? सच में आओ मतलब यही तो आपके सामने खड़ी हूँ और तब से यही बोल रही हूँ, और आप अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं ना? अरे नहीं सही, कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, वो वहां पर जब मैं फिर वहां I'm so sorry। हाँ पता है, बहुत खुश है, 24 घंटे मुझे नहीं झेलना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें कैसे बताऊं सही, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूं। मैं जानती हूं विराट सर, आपको मेरी जरा भी याद नहीं आती होगी। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम अब यहीं रहने वाली हो, तुमने इस कमरे में रहने का, वापस रहने का फैसला कर लिया? घबराइए मत, मैं वापस आके आपको परेशान नहीं करने वाली, मैं सिर्फ अपना सामान लेने आई थी। ओ अच्छा, उसके लिए इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी, वो तो मैं वैसे ही तुम्हारा सामान तुम्हारे नए कमरे में, अलग कमरे में रखने आने वाला था। आपको बड़ी जल्दी है मेरा सामान शिफ्ट करने की, मेरा सामान मुझे लौटाने की? सच सच बताइए कि आपके और आई के मिली भगत है ना? आप ही ने आई को आइडिया दिया होगा कि सही जब हॉस्पिटल से घर वापस आए तो उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देना। क्या बोल रही हो तुम, मुझे इतना सा भी आइडिया नहीं था कि आई तुम्हें मेरे कमरे से शिफ्ट, हमारे कमरे से शिफ्ट करने के बारे में सोच रही है। मुझे आज पता चला है, तुम्हारे साथ पता चला है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेती। ऑफ कोर्स।
अरे अब कहाँ जा रही हो? अपना सामान लेने। अरे मैंने कहा ना मैं सामान रखने आऊंगा। पक्का? पक्का ठीक है। हाँ अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे ना आबा की फोटो चाहिए। एक मिनट रुको मैं निकाल लेता हूँ। एक बात बताओ सही, तुमने ऐसे कैसे अपना सामान पैक किया कि मुझे पता ही नहीं चला? हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, रहते थे, लेकिन मुझे इतनी सी भी भनक नहीं पड़नी थी, और तुमने इतना सब कुछ एक साथ अकेले कैसे इस कमरे से बाहर ले गई? जाने दीजिए ना, बीती बातें रहने देते हैं। और वैसे भी विराज सर, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि मेरे लिए आपको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मतलब दुनिया के लिए आप होंगे द ग्रेट आईपीएस विराट चव्हाण, लेकिन सही जोशी के आगे बंद हो जाती आपकी जबान। ऐसा कुछ नहीं है, और तुमने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया था, तुमने मुझे धोखा दिया था, इसीलिए तुम्हें मेरे पास यहाँ वापस आना पड़ा। मैं आपके पास वापस नहीं आई हूँ, मैं इस परिवार में वापस आई हूँ, और अब तो हम सिर्फ एक घर में रहते, एक कमरे में भी नहीं रहते। हाँ तुम अपने अलग कमरे में रहकर कुछ ज्यादा ही खुश हो। आप भी तो खुश हैं। अब तो वैसे भी चाहते ही थे कि मैं इस कमरे से चली जाऊं। मैंने ऐसा कब कहा? सही तुम घर छोड़कर गई थी, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम घर छोड़कर जाओ। मैंने आपको कहा ना पुरानी बातें रहने दीजिए, नहीं करते कोई मतलब नहीं। और हॉस्पिटल में तो बड़ा मेरे बाल बना रहे थे, नारियल पानी पिला रहे थे, घर आते जमाने लगे ना धौस। मैंने कब जमाई धौस? हाँ धौस जमाएंगे भी कैसे, आई ने तो कह दिया कि अब हमें अलग अलग कमरों में रहना है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ हस्बैंड और वाइफ तो एक ही कमरे में रहते हैं ना, और आपकी बेस्ट फ्रेंड भी तो यही कह रही थी। कांट बिलीव इट, मतलब तुम कोई भी बात शुरू कर लो घूम फिर कर वहीं जाके रुकती है ना। पाखी इस बारे में क्या कहती है क्या नहीं, मुझे उससे क्या मतलब है? अच्छा डॉक्टर अंजलि, उन्होंने ऐसा क्या कहा होगा आई को जो उनके मन में ये बात आई, मतलब आई ने ये फैसला ले लिया? मेरा मतलब अब हमारा रिश्ता क्या है विराज जी? अच्छा सवाल है, है ना, और काफी शायराना भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत फिल्मी हो तुम। अरे इसमें फिल्मी होने की क्या बात है, सच तो है। बताइए ना विराज सर, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है? मेरे पास तो इस सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे पास है? मेरे पास होता तो मैं आपसे पूछती क्या? तो किसके पास होगा इस सवाल का जवाब? आई? आई के पास होगा जवाब? आई? हो सकता है।